अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज बुध वाला दिन है और आज हमारा मेन्यू बहुत हटके, कुछ मुख्तलिफ, बहुत सारे बच्चों का पसंदीदा और बहुत अरसे से मैंने नहीं सिखाया हुआ, तो निका चलो आज बनाते हैं मार्गरीटा थिन क्रस्ट पिज्ज़ा। ये पिज़्ज़ा क्रिस्पी पिज़्ज़ा बनेगा और मार्गरीटा एज अ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। मैं आपको आज पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना बताऊंगी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे ये रेसिपी। और हम बनाएंगे आज विंग्स, और हम बनाएंगे आज गैंगो प्रॉन्स, जिसके साथ आप गार्लिक राइस या एग फ्राइड राइस भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देखते हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में पहले हम क्या करें, पहले हम ऐसा करते हैं पिज़्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, पिज़्ज़ा का डो आपको समझा रही हूँ। 1.5 कप मैदा एक थिन एंड क्रिस्पी पिज़्ज़ा के लिए, इतने बड़े पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी होता है, बिकॉज़ हमें उसका जो डो है वो पतला रखना है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी थिक नहीं चाहिए। उसमें हमने डाला है बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून हीट, और ईस्ट डालिए 3/4 टीस्पून, सैफ की इंस्टेंट ईस्ट 3/4 टीस्पून, कोई सा भी तेल, ऑलिव ऑयल या कोई सा भी तेल 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, और नीम गरम पानी जितनी ज़रूरत हो उसको गूंदने के लिए आटे को आपने ले लिया। ठीक है, और अब इसको आपने गूंद लिया। मैं घर से निकली हूँ 9:30 और मैंने उस वक्त इसको 5 मिनट पर, माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया, देखिए मैंने इसको गूंद लिया था। इसको वैसे राइस करने की ज़रूरत नहीं है, और ये देखें कितना कितना सॉफ्ट डो है। देखा आपने, ऐसे ही होना चाहिए पिज़्ज़ा का डो, तब आपके पिज़्ज़ा अच्छा और मज़े का बनता है। ये हम कर लेते हैं और फिर हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे आपके सामने। अब फिर नहीं बनाऊंगी, मैंने बहुत दफ़ा बनाई है, लेकिन मैंने कहा चलो आज भी बना लेती हूँ आप लोगों के सामने। टेबलस्पून ऑयल, पतला बेलना है प्लीज, और अगर आपको थिक पैन पिज़्ज़ा चाहिए, डीप पैन पिज़्ज़ा चाहिए, तो आप इस डो को जो मैंने गूंदा है आप 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे और फिर आप उसको बेलेंगे। बेलने के बाद आप इसमें इसको ट्रे में अपनी डालेंगे,
फिलिंग डालेंगे साथ में और फिर दोबारा से राइस करने रख देंगे आधा पौना घंटा। जब वो कॉर्नर से फूल जाएगा फिर आप उसको बेक करेंगे तो वो आपका डीप पैन पिज्ज़ा हो जाता है। इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये जो एक्स्ट्रा इधर निकल रहा है ना मोटा मोटा साइज निकाल दें उसको। ठीक है, अब मैं इस पे थोड़ा सा इसको सेंटर से प्रिक करूँगी। बड़ा अच्छा क्रिस्पी बनता है ये पिज्ज़ा। और 5 to 8 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक ब्लाइंड कर रही हूँ। खाली बेक करने का मतलब है बेक ब्लाइंड। चलें जब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं। जी बोलिए। आज आप लोगों के लिए सवाल भी है जिसमें आपको एनिक्स की ड्राई आयरन मिलेगी। सवाल यह है कि आपको हज़ारों दफ़ा बता चुकी हूँ, बेक ब्लाइंड का क्या मतलब है? बेक ब्लाइंड का क्या मतलब होता है? ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं पिज्ज़ा सॉस की तरफ। पिज्ज़ा सॉस के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास पिज्ज़ा के रखे, आपको याद है मैंने 2-3 किस्म की पिज़्ज़ा सॉस सिखाई है। एक मैंने आपको पिज़्ज़ा सॉस सिखाई थी जिसमें हमने 1 टेबलस्पून तेल डाला था, उसमें लहसुन डाल के फ्राई किया था, फिर सारी चीज़ें डाल दी थी, वो भी एक पिज़्ज़ा सॉस होती है। ये वाली पिज़्ज़ा और वो मैंने टोमेटो उसमें पेस्ट भी डाला था, प्यूरी भी डाली थी। ये वाली जो पिज़्ज़ा सॉस है ये थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा आज आपको ये सिखाती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको हर चीज़ सॉस पैन में डाल दीजिए जितनी लिखी हुई है और इसको आपको कुक करना है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, पानी में डाला, उसका छिलका उतारा, उसको ब्लेंड किया और वो डाल दिया। ठीक है, 2 टमाटर चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें, वन टीस्पून, बेजल ताज़ा वाला, जितना पसंद है इसकी खुशबू, सैलड में डाल दें, रायते में डाल दें, कचुंबर में डाल दें, आई लव इट। ये डाल दिया, उसके बाद में हरी मिर्चें चॉप 2-3 डाल दी, और फिर हमने अनियन डाल दी 1 टेबलस्पून चॉप्ड, फिर हमने इसमें डाल दिया ऑरिगैनो 1/2 टीस्पून, ठीक है, और ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून।
बस अब इसको आप कुक कर लीजिए जब तक कि ये गाढ़ी हो जाए। ये आपकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी। जी बेटा बोलो। हेलो जी। जान बोलिए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप आपके सवाल का जवाब दूं? जी दीजिए। इसका ब्लाइंड बेक का मतलब है कि बगैर किसी टॉपिंग के उसको बेक करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बेटा। वेलकम वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तैयार है, इन दो तीन मिनट में बस गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा देखें, फिर बता रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक सॉस पैन ले लिया, दो टमाटर लिए बड़े साइज़ के, उसको आपने खोलते हुए पानी में डाला, दो मिनट रहने दें, आपको नज़र आएगा कि वो छिलका उसका उतर रहा है। आपने टमाटर बाहर निकाल दिए, पानी फेंक दिया, टमाटर को छिलके पकड़ के आपने फेंक दिए, निकाल दिए, ठीक है। फिर आपने वो टमाटर को चॉपराइज या ब्लेंड करके एक सॉस पैन में डाला, साथ में आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी अपने टेस्ट के मुताबिक, एक टीस्पून डाल दें ताज़ा तुलसी, बेजल नहीं है अब तो छोड़ दें, फिर बॉटल वाला डाल दें ड्राइड, लेकिन इससे खुशबू मेरे घर में लगा हुआ है, ये डाल दिया। फिर हरी मिर्चें चॉप्ड 1 टीस्पून, फिर 1 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज, ऑरिगैनो 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, ये सारी चीज़ें आपने डाली और बस इसको आपको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, ज़रा सा। हो ही गया है, ये देखें, इसमें ना कोई तेल है ना कुछ है। थोड़ा और पकाऊंगी कि ज़रा सा टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। ये हमारी सॉस हो गई, पिज़्ज़ा सॉस, इसको हम अलग रखेंगे, ठंडा करेंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम वापस से पिज़्ज़ा की तरफ आ जाएंगे। अभी पिज़्ज़ा भी 5-7 मिनट बेक होगा और ये सॉस भी 5 मिनट पकेगी बस, तो फिर हम निकाल के उसकी टॉपिंग करेंगे और उसको वापस से हम रीबेक। थिन एंड क्रिस्पी पिज़्ज़ा बेक होता है 25 मिनट के लिए 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सिर्फ 25 मिनट। 5 से 7 मिनट पहले बेक ब्लाइंड करना है उसको, जैसा मैं अभी खाली पिज़्ज़ा की डो को बेक कर रही हूँ। उसके बाद में उसको मैं निकालूँगी, ठंडा होने दूँगी, गरम गरम पर डालेंगे, आपको पिज़्ज़ा ज़रा मज़ा नहीं आएगा, ऐसा सौगी सौगी लगेगा। ठंडा होने दें पिज़्ज़ा को बेक करने के बाद, फिर आप उसमें सॉस लगाएंगे, चीज़ टॉपिंग करके फिर करेंगे। अच्छा, मार्गरीटा पिज़्ज़ा जो होता है दैट्स अ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, इट्स ओनली मेड विद सॉस एंड चीज़ एंड सम वेजीज। ये याद रखिएगा, मार्गरीटा पिज़्ज़ा में कोई मीट शामिल नहीं होता है। It's a vegetarian pizza made with pizza sauce, lot of sauce, cheese, and maybe if you like some veggies like capsicum, mushrooms, olives, ये सब डाल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी फ्राइड विंग्स। यहाँ विंग्स मेरे पास रखे हुए हैं 750 grams। मैंने विंग्स लिए थे चिकन वाली जो स्टोर्स आती है ना फ्रोज़न चिकन की, उनके पास साफ़ सुथरे विंग्स मिलते हैं, मुझे ताज़े विंग्स पता नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसमें साफ़ सुथरे विंग्स आते हैं। आप उसको घर लाएं और आपने उसको बीच से कट किया, दो पीस किया, और जितना इसका मीट यहाँ पे होता है इसकी बोन पे, उसको तेज़ छुरी से आपने नीचे की तरफ करके उसका लॉलीपॉप बना लिया। देखो ये आपका विंग है, ये आपको स्किन नज़र आ रही है, ये स्किन वाली मैंने आज चिकन ली थी ना, मैंने मंगवाई थी जो चिकन शॉप होती है उससे फ्रोज़न वाली, तो ये उसके साथ है, स्किन के साथ। फिर मैंने इसको उल्टा किया, विंग को उल्टा पकड़ा, तेज़ छुरी से मैं इसको हर तरफ से चारों साइड से मैं नीचे लाती गई, और फिर मैंने उसको पलट लिया, तो ये आपका लॉलीपॉप बन गया, ठीक है। ये हमने लॉली पिज़्ज़ा मैं निकालने जा रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। फरमाइए क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सिखाती हैं। कल आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बात की थी कि आपको इतनी लोग दुआएं देते हैं, तो वो एक शायर का शेर है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। तो आप इतना मेहनत करती हैं, इतने प्यार से सिखाती हैं, इतना प्यार से समझाती हैं, तो आप तो दुआओं की हकदार हैं। कोई ना भी करना चाहे तो वो भी दिल से आपको दुआएं दे। बहुत 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 मेहरबानी। सब में पहले तो मेरे रब की, उसके बाद मेरे तमाम चाहने वालों की और मेरे मरहूम वालिदैन की। बहुत शुक्रिया आपने इतना प्यार। सवाल है आज का? जी आज का सवाल है, मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है और आज भी बताया है कि बेक ब्लाइंड का क्या मतलब होता है। हमें तो आपने सब कुछ इतना अच्छी तरीके से बताया है, आपके तरीके बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये ब्लाइंड बेकिंग में जब आप कोई चीज़ बेक करते हैं तो उसके ऊपर बटर पेपर डाल के, तो कोई भी बीन्स, कोई दाल, कोई चावल डाल देते हैं और उसको आप बेक करने रख देते हैं। और अगर आप दाल वगैरह ना डालना चाहें ऊपर, तो उसको प्रिक करते हैं कांटे से ताकि वो ऊपर से फूले नहीं। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जरूर। और हमारी दुआओं में आप हमेशा हैं, आपकी पूरी टीम है। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह आपको इससे ज्यादा तरक्की आता। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप भी हमेशा खुश रहिए। ओके जी, विंग्स, ठीक है, तो मैंने आपको विंग्स का बता दिया। अब हम, और मैंने पिज्ज़ा का डो निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। ये देखिए मेरी सॉस, देखें पूरी लगाऊंगी मैं, ये देखें कैसी गाढ़ी हो गई है पिज्ज़ा सॉस, ठीक है। ये देखें, मुझे थोड़ा सा अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है, लेकिन खैर है, ठीक है, इसको हम ठंडा करेंगे। अच्छा, मैं इसमें इसलिए निकाल देती हूँ कि जल्दी ठंडी हो जाएगी, सॉस पैन में रहेगी तो सॉस पैन गर्म है ना। कितनी आसान है देखा पिज्ज़ा सॉस। अच्छा, आप लोग तो सोच रहे होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, कि मैंने वहाँ से उठा के एक चीज़ डाली थी, वो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला था, तंदूरी कलर। ठीक है, इसको ठंडा कर। अच्छा ले ले, ठीक है जी। ब्रेक आ गई, तो मैं ब्रेक से वापस आके हम अपनी विंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी रखवाती हूँ। स्टे विद अस जनाब, वेलकम बैक। मैं इसको ज़रा सा हिला रही थी कि ये हमारी सॉस ठंडी हो जाए। बड़ी अच्छी ये चंकी चंकी सॉस होती है और मार्गरिटा पिज़्ज़ा में बहुत मज़ा आता है। पूरी जाएगी एक ही पिज्ज़ा में, बिकॉज इसमें सारा मज़ा इसकी सॉस का है। उफ, क्या खुशबू है बेजल की। ठीक है, अब हम इसमें सारे डाल रहे हैं। सॉस के ऊपर आपने थोड़ा सा मोज़रेला चीज डाल दिया, अबाउट 2 टेबलस्पून। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर डाला शिमला मिर्च, फिर आपने इसके ऊपर डाला टोमेटो, फिर आपने इसके ऊपर डाला मशरूम्स,
फिर आपने इसके ऊपर डाला ब्लैक ऑलिव्स, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए फिर आप इसके ऊपर थोड़ा क्रश रेड पेपर डाल दीजिए, नहीं डालना है नहीं डालें। फिर आपने इसके ऊपर छिड़क दिया मज़ीद ऑरिगैनो, हाफ टी स्पून से 3/4 टीस्पून। फिर आपने इसके ऊपर वापस से दोनों चीज़ डालनी है। ये मैं डाल रही हूँ मुज़रेला, और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर चेडर। इस मार्गरिटा के ऊपर चीज़ अच्छी डालें, कम से कम एक पिज़्ज़ा पे 3/4 कप मोज़रेला 3/4 कप चेडर डालें। ठीक है, अब मैं इसको 20 मिनट के लिए बेक करूंगी 190 डिग्रीज पे। ठीक है, हमेशा बेकिंग होती है सेंटर ऑफ योर ओवन। $190 for 20 minutes। चलें जी, एक रेसिपी से हो गए हैं हम फारिग। अब हम इधर जलाएंगे अपना चूल्हा। और हम आते हैं विंग्स पे। विंग्स फ्राई करने डालती हूँ और फिर इसकी सॉस बनाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मुझे आपसे एक सवाल करना था। बोलिए आपा। हम जैसे आप ये बना रही हैं, पिज्जा बना रही हैं इस वक्त, ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑरेगानो हमें ना मिले तो हम इसका सब्स्टिट्यूट क्या डालें? क्यों नहीं मिले? ऑरेगानो तो हर दुकान पे मिलता है। नहीं मिलता है नहीं, जैसे फौरन अगर अच्छा, मतलब कोई अवेलेबल घर में नहीं जैसे होता है। मिक्स हर्ब डाल दे, मिक्स हर्ब। अच्छा, मिक्स हर्ब डाल दीजिए। उसमें 5 किस्म के हर्ब शामिल होते हैं, ऑरेगानो, थाइम, बेजल, रोजमेरी। अच्छा, हाँ वो डाल दें, उसमें ऑरेगानो होता है। अच्छा, दूसरे एक और मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं, मेरे पास अभी इसका ओवन मेरा खराब हो गया, ठीक है, तो मैं उसको पतीली में बिल्कुल कितनी देर करूँ? आप टीवी तक जाएं, मैं बता रही हूँ। ओके, थैंक यू। देखें, आपने पतीली ली बड़ी, ठीक है, बड़ी पतीली ली और उसमें आपने स्टैंड रखा, गोल छन्नी नहीं आती स्टैंड जिसमें हम
दूध की पतीली गरम करके हम उस स्टैंड पे रख देते हैं पंखे के नीचे टेबल में, मेरे घर में तो इस तरह होता है। तो वो आपने स्टैंड लिया, उस पतीली में डाल दिया, कोई पानी नहीं कुछ नहीं, ठीक है, और आपने ढक्कन ढक दिया और उसको गरम कर लिया, ठीक है। 15-20 मिनट उसको गरम कर लें, जिस तरह आप ओवन को गरम करती हैं उस मेथड को कहेंगे प्री हीटिंग, ठीक है। प्री हीट हो गया ये आपकी पतीली, फिर आपने जो आपका पिज्ज़ा का ट्रे था जो हमने जिसमें पिज्ज़ा बनाया है उसको आपने रखा खाली पिज्ज़ा के, वो पिक करके और 5-7 मिनट उसको बेक कर लिया, बेक ब्लाइंड कर लिया, फिर उसको निकाला, सॉस को ठंडा किया, पिज़्ज़ा को ठंडा किया और उस पर इस तरह से जैसा जो कुछ मैंने असेंबल किया वो करके फिर पिज़्ज़ा आपने दोबारा से उस छन्नी के ऊपर रख दिया। और जो आपका ढक्कन है ना, उस ढक्कन को आप कपड़े से या तौलिए से कवर कर दें ताकि वो स्टीम का पानी पिज़्ज़ा में ना जाए, उसको कवर कर दीजिए और आप उसको ढक दीजिए। जब आप उसको ढक देंगे तो 20-25 मिनट में वो बेहतरीन गोल्डन की तरफ आ जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, बहुत अच्छा बेक होता है पतीली में, ठीक है। अच्छा जी, तेल हमने रख दिया है गरम करने हमारी फ्राइंग के लिए, स्पाइसी फ्राइड विंग्स 750 ग्राम विंग्स, लॉलीपॉप्स बना लिए, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने, सॉल्ट एंड वाइट पेपर, जो वाइट पेपर नहीं पसंद लेकिन बाहर बना ब्लैक डाल दो, हाफ टी स्पून ईच, ठीक है, 3 टेबल स्पून मैदा, कौन सी बेटा, अच्छा बस, थ्री टेबल स्पून मैदा भर के, तिल 1.5 टेबल स्पून या 3 टी स्पून, ठीक है, ये डाल दिया और एक अंडा, इसको आप मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ज़रूरत होगी तो ज़रा सा पानी डालूँगी और अगर नहीं होगी जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। और फिर हम इस लॉलीपॉप्स को उठाएंगे और डीप फ्राई करेंगे 15 मिनट के लिए, फिर हम इसकी बनाएंगे सॉस, मैंने इस दफ़ा जो मसाले दिए ना हो गया मेरा, अब आपकी कोई फरमाइश पूरी नहीं हो सकती, मैंने जो इस दफ़ा मसाले दिए हैं उसमें मैंने 2-3 मसाले वो भी दिए हैं, स्टेक मसाला दिया है मैंने, न्यूयॉर्क स्टेक का सीजनिंग्स दिए हैं और एक मैंने बर्गर का भी दिया है, टेक्स मैक्स बर्गर स्पाइस, उससे बनाऊंगी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 2nd या 3rd वीक ऑफ जून में। मैं करने को तो एक और हफ़्ता पूरा कर सकती हूँ, बहुत मसाले हैं मेरे पास जो मैंने अभी दिए नहीं है, पाव भाजी मसाला नहीं दिया, बटर चिकन मसाला नहीं दे सकी, चरका मसाला है मेरे पास, बहुत सारे हैं लेकिन मैं क्या करूँ। चले जी ब्रेक पे जा रहे हैं, इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा पानी, जस्ट 1 टेबल स्पून, जी जी चलिए ब्रेक। जी जनाब, उफ इतनी मज़ेदार खुशबू, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके
इसमें विंग्स फ्राई हो रहे हैं। अब मैं सॉस पे आ गई। मैंने बिल्कुल अभी तक चम्मच नहीं डाला है। अगर मैं चम्मच डालूंगी, मेरा दिल तो चाह रहा है लेकिन मैं नहीं डाल रही। नहीं, मैं नहीं डालूंगी अभी, इससे कि बैटर अभी भी गीला है। अगर मैं डालूंगी तो बैटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी सॉस बना रहे हैं विंग्स की। जिन लोगों को विंग्स का बहुत शौक है ना, मेरे तो सारे नवासे नवासी, दे लव विंग्स, ओफ अल्लाह, तो बनाया करेंगे, बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हो गया, फ्राई कर लिया हमने और निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए हम ले रहे हैं ऑयल, और हम इसी में से ले लेते हैं, क्यों ज़ाया करें। क्वार्टर कप ऑयल, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ क्रश्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक ब्राउन करेंगे, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे सारी सॉसेस, सब कुछ। क्या क्या डालूंगी? चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून, केचप 3 टेबलस्पून, चीनी 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, पिंच ऑफ ऑरेंज कलर, पानी जाएगा आधा कप, और उस पानी को हम सॉस बनाने के लिए गाढ़ा करेंगे, कॉर्नफ्लावर। आप लोग इस तरह पीस के रख लिया करें ना। मैं आधा किलो लहसुन लेके आती हूँ, उसको अच्छी तरह से छीला, छीलने के बाद धोया, धोने के बाद आपने उसको चॉपर में डाल के एक दफ़ा प्रेस किया, दो दफ़ा प्रेस किया, तीसरी दफ़ा प्रेस किया, एकदम छोड़ना नहीं है दबा के, और बस वो ऐसा ऐसा हो जाता है, छीले काटेगा कौन ये इस तरह से। और फिर बस आपने उसको बॉटल भर ली, क्रश्ड गार्लिक वेरी, देखें हमने डाल दिया इसमें चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून, केचप 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है, पिंच ऑफ कलर। फिर हम इसमें डालेंगे शुगर 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें, मैं वाइट नहीं डाल रही, मैं ब्लैक डाल रही, ठीक है। आधा कप पानी, कलर देखें, कलर डालने से कितना प्यारा हो जाता है। अब ज़रा से इसको बॉईल आएगा, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर, अब मैं जा रही हूँ इसको, ये देखिए, देखा आपने, ज़रा भी इसका बैटर नहीं उतर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सॉल्ट नहीं डाला है मैंने, इसलिए कि सारी सॉसेस में होता है, लेकिन लिखा है तो मैं ज़रा सा एक चुटकी।
बस ज़रा सा ये उबाल आ जाए, अब हम इसको टेबल पे पहुँचाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे गैंगो प्रॉन्स। ये देखें उबाल आ गया है, ठीक है, ये बॉईल हो रहा है। ओके बेटा, जस्ट गिव मी वन मिनट प्लीज। बस ये देखें, चूल्हा बंद। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, अलग अलग करके इसको अपने प्लेटर पे डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, हमारा पिज्ज़ा हमने रख दिया है, ये देखें, ठीक है, इतना मज़े का। और पीछे से भी देखें, इट्स फुली कुक्ड, ब्राउन क्रिस्प। ठीक है, ये पिज्ज़ा हो गया, वो हमारी विंग्स हो गई। आज बच्चों की ईद है, यही सब बना डालें। अच्छा, और गैंगो प्रॉन्स के लिए हमने आधा किलो साफ किए हुए झींगे लिए। मैंने लिए थे 1 किलो झींगा, उसको हमने वेन्स और उसके टेल निकाल के हमने उसको आधा किलो बना लिया, और साइज़ मैंने अच्छी ली थी। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अच्छा, इसमें पीनट्स जाएंगे, पीनट्स फ्राई करके। तो फिर मैं क्या करूं जान, नहीं नज़र आ रहा तो इस तरफ। ओके, तो अगर मैं जल गई ना, हाँ, आपके ऊपर क्या, पूरा जिम्मा आपका है। अच्छा चलें, प्रॉन्स हो गए। अब प्रॉन्स को मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। सॉल्ट, वाइट पेपर, चिकन पाउडर ऑल 1/2 teaspoon ईच, बट इफ़ यू डोंट वांट वाइट पेपर ऐड ब्लैक पेपर। आई एम नॉट, हाँ, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon चिकन पाउडर। ठीक है, ओके, इसको हमने छोड़ कर दिया, और हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अब आधा लिखा है, मैं पूरा डाल रही हूँ, बिकॉज वो फिक जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये इससे हमने मैरिनेट कर लिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। मैं 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर मिला लेती हूँ, कॉर्नफ्लावर या मैदा, मेरे सामने कॉर्नफ्लावर पड़ा है, मैं कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसकी सॉस बनानी है। ठीक है, सॉस बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा तेल चाहिए, उसमें मैं बनाती जा रही हूँ। हमें गैंगो सॉस, टू टेबलस्पून ऑयल, ठीक है, गार्लिक पेस्ट, इसमें पेस्ट जाएगा, इसमें क्रश नहीं जाएगा,
वन टीस्पून गार्लिक पेस्ट, साबुत बटन रेड चिलीज 6, ये आपने डाल दी। फिर आप इसमें डालेंगे केचप 3 टेबलस्पून, चिली सॉस आप डालेंगे 2 टेबलस्पून, बस ये हमारी सॉस डन है। और सॉल्ट एंड वाइट पेपर डालना है, जो कि मैं नहीं डाल रही। ये देखें, ठीक है, इसको आप चूल्हे पे से उतार दो। दिस इज डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। सिर्फ हल्का सा डालना है और निकालना है, ये कोई ऐसे बॉल्स नहीं बनेंगे, बिकॉज में मैदा और इतना सारा नहीं है ना, तो सिर्फ डालना है और निकालना है। हाँ ले लें, बस ये देखें मैं डाल रही हूँ, और जब तक आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर इसकी हम पूरी वो कर लेते हैं, डिश बना लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैंने जो सॉस बनाई थी गैंगो सॉस प्रॉन्स के लिए, वो मैंने बड़ी कढ़ाई में डाल दी है, बिकॉज मुझे बाकी प्रॉन्स सब इसमें डालना है। अब इसमें मैं एक प्याज डाल रही हूँ, ठीक है, कोस्टली कट, जैसे शाशले के लिए आप क्यूब्स में काटते हैं, आपने ये प्याज डाल दिया। आपने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक डाल दी, थोड़ी हम टॉप के लिए रखेंगे। इसमें आपने 2 टेबलस्पून चिली ऑयल डाल दिया, ठीक है, चिली ऑयल बाज़ार में मिलता है और मैंने आपको 50 दफ़ा सिखाया है बनाने, सही है। उसके बाद हम इसमें प्रॉन्स शामिल कर देंगे, जो हमने फ्राई करके निकाले। और ज़रा सा कॉर्नफ्लावर जाएगा, फिर ऊपर से इसमें जाएगा हरी प्याज का पत्ते और मज़ीद अदरक, थोड़ी सी 1-2 अगर डालना चाहें तो हरी मिर्चें डाल लें, बस चूल्हा बंद। और डिश में निकालने के बाद पीनट्स फ्राई करके, प्लीज़ चाइनीज़ खाने को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। ये सब्ज़ियाँ जो है इसको कच्चा ना समझें, ये खाने में इतनी क्रंची और बेहतरीन लगती हैं। पानी डाल के उसको पका के कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो क्या मज़ा आएगा, उसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल मर जाएंगी वो। शक्ल देखें, ठीक है, इफ यू लाइक कैन ऐड लिटिल ग्रीन चिलीज, दैट्स इट, ओके। मैंने फ्राई करके रखा है इधर पीनट्स, मूंगफली, क्वार्टर कप या 4 टेबलस्पून ले लीजिए।
हमारी आज की तीनों रेसिपीज अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं, गैंगो प्रॉन, स्पाइसी फ्राइड विंग्स और मार्गरिटा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, तीनों हमारी रेडी हो गई ये चीज़ें। और ये तीनों ऐसी चीज़ें कि आप वीकेंड आ रहा है इंशाल्लाह वीकेंड पे सैटरडे संडे को घर में बनाएं, आपके घर में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। और इधर इस वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, आप आज के चल के तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें, फिर भी कुछ रह जाए नहीं समझ आए, आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होता है, रात 2 बजे होता है और कल सुबह 7:30 बजे होता है, जिस वक्त आपको सही लगे टाइम आप उस वक्त भी देख सकते हैं। जनाब वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम एहसान है कि रिकैप से ही पहले हमारा शो ख़त्म हो जाता है, तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए टेबल पे पहुंच जाती हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। इसीलिए कहती हूँ दरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू किया करें, बरकत भी होती है, टाइम भी पूरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज दावत पर बन रहा है मलाई कोफ्ता और श्रीलंकन कोकोनट दाल, और आज की हमारी जो एनिक्स की विनर हैं वो है मिसेस शाह फ्रॉम पेशावर, आपका बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे, कल जुमेरात वाला दिन है, फिर जुमा आ गया, इतनी जल्दी हफ्ता जाता है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है, मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए, आप लोग सब मेरी दुआओं में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।